दीपावली पर्व आते ही इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी शहरों में अपनी दुकानें सजा चुके हैं, जिसमें तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान रखकर व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन ये व्यवसायी भी मंदी की मार से जूझ रहे हैं। पाली नगर के व्यवसायी बताते हैं कि वो बड़े बड़े शहरों की दुकान से अपनी दुकान संचालन के लिए सामान ले आए हैं, लेकिन उनके प्रतिष्ठानों में ग्राहकों का अभाव बना हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना बीमारी खत्म होने के बाद भी अभी उसका प्रभाव बाजार से खत्म नहीं हुआ है। बाजार में ग्राहकों की चहलकदमी नहीं हो रही है। गौरतलब है कि पाली नगर के व्यवसायी इस दिवाली में शहर की तर्ज पर अच्छी किस्म के सामान लेकर आए हैं, जिसका व्यवसाय कर वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं, लेकिन बाजार में मंदी के आलम ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस दुकान पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, पर क्या करें इस समय समझ में नहीं आया। जब से कोरोना काल हुआ है, मार्केट बहुत मंदी से चल रही है। इतने सारे स्टॉक लेके आए, इतने अच्छी फैंसी आइटम्स लेके आए हैं, पर मार्केट देख के समझ में नहीं आ रहा है कि इस साल हमारा कैसा रिस्पॉन्स जाएगा। ग्राहक तो सर बस आते हैं, अपने फ़ोन में ऑनलाइन देखते हैं, कुछ सामान देखते हैं, समझ में नहीं आता। मार्केट और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो रेट सुनते हैं, पहले मोबाइल में चेक करते हैं फिर यहाँ देखते हैं। मैं अभी पहली बार ये झालर का धंधा कर रहा हूँ। क्या कुछ रिस्पॉन्स है भैया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है भैया, महंगाई बहुत ज़्यादा। क्या मानना है आपका? GST तो बढ़ा है, अभी झालर इतने महंगे आ रहे हैं तो दुकान अभी बहुत ढीला चल रहा है। मतलब मंदी बहुत है, कोरोना का असर ज़्यादा लग रहा है लोगों के अंदर। मतलब पैसा नहीं है, इसलिए बाजार में लोग चहलकदमी नहीं कर रहे हैं।